अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का मेरे डेली रूटीन व्लॉग में मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ। आज मैं गई हुई थी जो कि कराची में, जो लोग रहते हैं उन्हें पता ही होगा कि जहांगीर पार्क बहुत ज़्यादा ही फेमस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिंदे हैं, और मतलब एक पिंजरे में बंद बहुत खूबसूरत मोर भी था यहाँ, और बत्तख और पैरट वगैरह और कबूतर वगैरह सब चीज़ें थी। बहुत खूबसूरत था, बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर आप लोग नहीं गए तो जाइएगा, ज़रूर एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ आज की वीडियो शेयर कर लेती हूँ। आज का डेली रूटीन व्लॉग बहुत ही खूबसूरत लगे आप लोगों को, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ जहाँ बच्चों के झूले लगे हुए थे, बहुत ही खूबसूरत एक लकड़ियों का हट बना हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मतलब वुडन हाउस, जो कि बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत पिसली वाले झूले थे जो हम बचपन में बहुत इन्जॉय करते थे। सो ये है, मैं आपको वो ज़रा जूम करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखे। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत था, अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे, थोड़ी देर फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चले गए। तो वो देख रहे हैं आप, वो गेट है पार्क में एंटर होने का। सो बाकी सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं चल रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे डायनासोर्स वगैरह हैं जो कि मतलब बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। मुझे जाके तो बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं वहाँ पर एग रखा हुआ है बड़ा सा डायनासोर का, और वो डायनासोर थे। अच्छा, मैं आपको जूम करके दिखाऊँ। ये देखें, ये किंग कॉन्ग बैठा हुआ है। अच्छा जी, सो मैं बहुत सारे थे, बिल्कुल चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये देखें, वो देखें एक डायनासोर जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये डायनासोर, ये मतलब एक तरह से खेल भी है बच्चों का। आप लोग कभी जाएं और एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ, ये बहुत खूबसूरत पार्क है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये देखिए, और ये खड़े हुए हैं डायनासोर के स्केलेटन। इसकी हिस्ट्री वगैरह सारे इसके बोर्ड पर लिखी हुई है, आप लोग जाएँ तो ज़रूर पढ़िएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वरना मैं आपको ये सब रीड करके भी बता देती। सो देखिएगा ज़रूर, और टाइम मिले तो जो कराची में रहने वाले लोग हैं, मुझे आके ज़रूर इस पार्क का विज़िट कीजिएगा, अच्छा लगेगा। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, एंजॉय कर सकते हैं जाके। ये देखिए, बहुत खूबसूरत एनिमल्स बनाए हुए थे जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। ये एलिफेंट, हाथी बहुत खूबसूरत लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के लाइक और कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और मुझे बहुत सारा सपोर्ट कीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और वीडियो को एंड तक वॉच किया करें। थैंक यू सो मच। अब मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेती हूँ, वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। ओके, सब एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, अब आप वीडियो को देखें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरा एड्रेस तो मैंने दिया ही नहीं, सॉरी। ये है कि पूरा एड्रेस ये है कि ये सदर में है, सदर कराची में जो है, और आप वहाँ आसानी से जाके किसी से पूछ सकते हैं। जहांगीर पार्क का आपको इजीली एड्रेस पता चल जाएगा। और मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का डेली रूटीन व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा, और जाके इस पार्क में ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
आ जाओ, आ रही हो, धूप है पर वहाँ, फिर धूप है पर।